हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार। पहला जो मूल अधिकार था हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जो कि हमारा 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक हमारा जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत माने जाते हैं। उसी का जो है एक आर्टिकल है आर्टिकल 15। तो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 15 आखिर कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 15 आखिर है क्या। तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कि इसको मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहला जो इसका सब क्लॉज है उसमें लिखा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यहाँ पे राज्य का मतलब है हमारा भारत देश, है ना। किसी नागरिक के विरुद्ध मतलब कि कोई भी नागरिक है, मैं हूँ, आप हैं, आप लोगों के विरुद्ध केवल धर्म यानी कि धर्म हिंदू मुस्लिम पारसी सिख ईसाई इसके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लिंग स्त्री पुरुष के आधार पर विभेद नहीं करेगा। जन्म स्थान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं से भी आप हो सकते हैं, मतलब अपने देश के अंदर से। तो इसके आधार पर जो है किसी भी प्रकार का विभेद मतलब कि एक दूसरे में भेदभाव नहीं करेगा, सभी के लिए जो हो जाएंगे समानता होगी, क्योंकि हम यहाँ पे समानता का अधिकार ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें दो शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभेद। विभेद से तात्पर्य है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला, मतलब कि या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। मतलब कि हमें किसी के राज्य जो है किसी के विरुद्ध जो है किसी प्रकार का विपरीत मामला नहीं लेकर आएगा, मतलब कि किसी प्रकार का उल्टा कार्य नहीं करेगा, है ना। इनके आधार पर सो है एक साथ खड़ा होगा, है ना। केवल अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है, मतलब कि ये आर्टिकल 15 का कहने का मतलब है कि सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अन्य किसी प्रकार के आधार पर जो है वह भेदभाव कर सकता है। जैसे कि अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उसके आधार पर जो है कोई पिछड़े वर्ग में आता है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसके आधार पर जो है भेदभाव जो है राज्य कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आया होगा कि आखिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 आखिर कहना क्या चाहता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर की, यानी कि कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, कोई किसी भी जाति का, कोई शर्मा विश्वकर्मा आधार के, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है अन्य किसी प्रकार से जो है भेदभाव किया जा सकता है। तो आपको सब क्लॉज 1 में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं हम सब क्लॉज 2। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं कि पूर्णता या भागता, मतलब कि पूरी तरह से या आधी तरह से, ठीक है। राज्य निधि से पोषित, मतलब राज्य से यदि किसी को जो है धन प्राप्त होता है निधि से पोषित, या साधारण जनता के प्रयोग के लिए बनाए गए कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में कोई भी प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाई जा सकेगी। यह सभी स्थान सभी के लिए समान रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हिंदी में लिखा है, मतलब कि यदि कोई जो है राज्य से पूर्णता या आधी राशि जो अगर राज्य देखता है किसी भी चीज़ को, यानी कि तो वहाँ से जो है उस कुएं से, तालाब से, मंदिर से, कोई भी जगह हो सकती है, सार्वजनिक समागम हो सकता है, तो वहाँ पर किसी भी जाति की, किसी भी वंश के, किसी भी धर्म के जो है किसी भी व्यक्ति को जो है जाने से जो है रोका नहीं जाएगा, या ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी जिससे कोई व्यक्ति जो है जाने से वहां पर उसके जाने में रुकावट पैदा हो, ठीक है। अब पहला जो प्रावधान था, वो सिर्फ जो है राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन करता था, जबकि जो हमारा जो दूसरा वाला ये अभी हमने पढ़ा है दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, ये वाला,
यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब कि पहला जो है सिर्फ राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन करता है, जबकि जो दूसरा हमने सब क्लॉज पढ़ा ये राज्य एवं व्यक्ति के, यदि ऐसा कोई सा कुआं है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, कोई निजी का है, वो भी जो है ये मना नहीं कर सकता है ना। ये सब चीज़ें कहने का इसका तात्पर्य है कि राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है यदि वह किसी सार्वजनिक के उसके लिए हो। तीसरा सब क्लॉज, इस अनुच्छेद की कोई बात को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अपवाद के तौर पर। पहले तो इसने इस आर्टिकल ने जो है एक समानता की बात की, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब कि रोकेगी नहीं, है ना, ये आर्टिकल रोकेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि ऐसा कुछ पुरुषों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। और इसी प्रकार बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये जो है एक सकारात्मकता की ओर हमें ले जाता है ये आर्टिकल, यानी ये सकारात्मक बात है, यानी कि ये कोई आर्टिकल हमारा जो 15 है इसको कोई गलत नहीं बोल रहा है, ये जो है अपवाद के रूप में भी हम जान सकते हैं ना। अब चौथा सब क्लॉज क्या हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC ST के लोगों की विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करें, यानी कि राज्य जो है यानी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप में, मतलब शिक्षा के रूप में पिछड़े हुए लोग हैं जो, या SC ST के लोग जो हैं, जनजाति के लोग हैं, है ना, उनके विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। यानी कि अगर जैसे हमें पता है कि वहाँ इनका जो है ये बहुत ही ज़्यादा सामाजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इनकी शिक्षा भी इतनी नहीं है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शैक्षणिक जो है पिछड़ापन है, तो सरकार जो है क्या कर सकती है, इनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। जैसे कि क्या किया है कि विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण किया गया है, आप देख सकते हैं कि विधानमंडल में, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लोकसभा में भी कुछ सीटों का जो है आरक्षण किया गया है। सभी राज्यों में जो है अलग अलग कुछ सीटों का SC और ST के लिए जो है आरक्षण किया गया है, और राज्यसभा में जो है ये आरक्षण नहीं मिलता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी विधान परिषद में भी देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ हमारे विधानमंडल यानी लोकसभा में जो है देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क में छूट शामिल होती है, है ना, उनको जो है शुल्क से छूट होती है SC ST के लोगों को, है ना, पिछड़े वर्ग के लोगों को। अब पांचवा सब क्लॉज क्या कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या SC ST के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है, और यह शैक्षिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि क्या कर सकता है राज्य, राज्य को यह अधिकार है कि वह SC ST के लोगों के लिए उत्थान के लिए या पिछड़े वर्ग के जो लोगों के स्थान के लिए जो है कुछ छूट के नियम बना सकता है ना, कि जिससे जो है वो आगे बढ़ सकें, उनको वो भी एक समान स्तर पर आ सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो सिद्धांत है ये 93 संविधान संशोधन जो है 2005 के द्वारा ये जोड़ा गया था, और आपने जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर भी देखा होगा, जैसे आप अगर OBC से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये जब भी कभी आप किसी फॉर्म भरते होंगे तो आप ये देख सकते हैं। और एक और कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं, जिनमें IIT और IIM जैसे संस्थान भी जो हैं शामिल हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मंडल आयोग बनाया गया था जिसकी सिफारिश पर 27% सीटें जो हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, छात्र हैं, उनके लिए 27% का जो है आरक्षण दिया गया था, जिसमें इतने बड़े बड़े संस्थान यानी कि IIT और IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अब एक वाद याद आ रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो 1993 में एक वाद हुआ था, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी कि पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण एक संवैधानिक है। मतलब कि हमारे जो संविधान में अभी जो बाद में करवाया गया था कि पिछड़े वर्ग के लोग में कौन कौन शामिल हैं और अधिक पिछड़े लोग में कौन कौन शामिल हैं, बहुत सारे जनजातियों के जो है नाम आए थे, है ना, पिछड़े वर्ग में आए थे, तो फिर पिछड़े वर्ग लोगों को जो है 27% का आरक्षण भी दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि ये आरक्षण जो है 50% से जो है अधिक नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।